खड़गे जी ने कहा कि काला धन हीरे जवाहरात में है, सोने में है, चांदी में है, प्रॉपर्टी में है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये सदन जानना चाहता है ये ज्ञान आपको कब हुआ। क्योंकि इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि भ्रष्टाचार का प्रारंभ नगद से होता है, उसकी शुरुआत नगद से होती है, परिणाम में प्रॉपर्टी होती है, परिणाम में ज्वेलरी होती है, परिणाम में गोल्ड होता है, शुरुआत नगद से होती है। दूसरा, आपको मालूम है कि यही बुराइयों के केंद्र में है, बेरावी प्रॉपर्टी है, जवाहरात है, गोल्ड है, चांदी है। जरा आप लोग बताइए, 1988 में जब समान राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, पंडित नेहरू से भी ज्यादा बहुमत इस सदन में आपके पास था, दोनों सदन में आपके पास था, पंचायत से पार्लियामेंट तक सब कुछ आपके कब्जे में था, आप ही आप थे, कोई नहीं था। 1988 में आपने बेनामी संपत्ति का कानून बनाया। आपको जो ज्ञान आज हुआ है, क्या कारण था कि 26 साल तक उस कानून को नोटिफाई नहीं किया गया? क्या कारण था उसको दबोच कर? अगर उस समय नोटिफाई किया होता तो जो ज्ञान आज आपको हुआ है, 26 साल पहले की स्थिति थोड़ी ठीक थी, देश बहुत जल्दी साफ सुथरा होने की दिशा में एक काम हो जाता। वो कौन लोग थे जिनको कानून बनने के बाद ज्ञान हुआ कि अब कानून दबाने में फायदा है? वो किस परिवार? आप इससे बच नहीं सकते। आप किसी का नाम दे करके बच नहीं सकते। आपको जवाब देना पड़ेगा देश को। जो ज्ञान आज हुआ है, और ये सरकार है जिसने नोटबंदी से पहले पहला कदम उनके खिलाफ उठाया, कानून बनाया है, और मैं आज इस सदन के माध्यम से भी देशवासियों को कहना चाहता हूं, आप कितने ही बड़े क्यों ना हो, गरीब के हक का आपको लौटाना पड़ेगा। और मैं इस रास्ते से पीछे लौटने वाला नहीं हूं। मैं गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। इस देश के गरीबी के मूल में, इस देश में गरीबी के मूल में देश के पास प्राकृतिक संपदा की कमी नहीं थी, देश के पास मानव संसाधनों की कमी नहीं थी, लेकिन देश में एक ऐसा वर्ग पनपा जिन्होंने लोगों के हक लूटते रहे, उसी का नतीजा है कि देश जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंच पाया। आप कहते हैं कुछ लोग जियो के बारे में बोलिए, उसकी जिनकी एजेंसी होगी वो बोलेंगे। एक बात मैं कहना चाहूंगा, वी कैनॉट बी डिस्टर्बिंग द हाउस लाइक दिस। Please take your seat. No, you cannot be disturbing like this. Nothing is wrong. Chinta mat. हम ये जानते हैं।
कि अर्थव्यवस्था को इस बात का कोई इंकार नहीं कर सकता है। एक समांतर अर्थव्यवस्था डेवलप हुई थी और ऐसा नहीं है, ये काम भी आपके संज्ञान में भी पहले भी आया था। ये विषय आप ही की सरकार की आप ही की कमिटियों ने भी आपको सुझाया था। जब इंदिरा जी राज करती थी तब यशवंतराव जी चव्हाण ये विषय लेकर के उनके पास गए थे और तब जाकर के उन्होंने कहा था कि क्यों भाई कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ने का, आपको निर्णय गलत नहीं था, चुनाव का डर था, हमें चुनाव की चिंता नहीं है, देश की चिंता है, इसलिए हम निर्णय लिया।